दिनारा पुलिस ने किया लूट का खुलासा। दो लुटेरे गिरफ्तार। दिनांक 18/7/24 को फरियादी विनय कुमार पांडे पुत्र जगदीश प्रसाद पांडे उम्र 40 साल निवासी ग्राम दावरभाट थाना करैरा द्वारा अपनी पत्नी के साथ झांसी से अपने घर दावरभाटा मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जैसे ही वह खुदावली से दावरभाट जाने वाले कच्चे रास्ते पर जा रहे थे, वहीं पहले से घात लगाए बैठे लुटेरों ने अपनी पल्सर गाड़ी से पीछा करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें लुटेरों ने फरियादी की पत्नी के सोने का मंगलसूत्र, सोने की चैन, कान के बाला, 10,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल लूटकर फुट हो गए, जिस पर फरियादी विनय पांडे द्वारा दिनारा थाना पहुंचकर लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उपरोक्त रिपोर्ट पर दिनारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामला विवेचना में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। दिनारा पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से दिन रात मेहनत कर 2 दिन में ही लूट का खुलासा कर दिया गया। पुलिस को मुखबिर तंत्र से सूचना प्राप्त हुई कि लुटेरे अलकी बगेदरी रोड पर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिस पर एसटीओपी करैरा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर घेराबंदी करते हुए आरोपी अंकुश उम्र 24 साल निवासी ग्राम सिमरा थाना रक्सा जिला झांसी व आरोपित प्रिंस राजा उम्र 21 साल निवासी ग्राम सेंगवा थाना थरेट जिला दतिया को लूट के माल सहित, जिसमें सोने के कान के बाले और 2100 रुपये सहित गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही लूट में प्रयुक्त की गई पल्सर बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली। सर, दिनारा पुलिस द्वारा जो आज लूट का खुलासा किया गया है, सर क्या है सर वो पूरा घटनाक्रम? सर, दिनांक 18/7 को फरियादी विनय पांडे निवासी दावरवाड ने रिपोर्ट किया कि ये अपनी पत्नी के साथ झांसी से अपने गांव दावरवाड जा रहा था, तो खुदावली से दावरवाड के कच्चे रास्ते पर अज्ञात लुटेरों द्वारा कट्टा अड़ाकर उसे मारपीट की और 10,000 रुपये नकद, सोने का मंगलसूत्र, सोने की चेन, कान का सोने का एक बाला और 2 मोबाइल लूटा है। हमारी पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई और आरोपी अंकुश पुत्र भाई साहब यादव उम्र 24 साल निवासी सिमरा थाना रक्षा जिला झांसी, दूसरे आरोपी प्रिंस राजा पुत्र राजपाल सिंह मुंजेला 21 साल निवासी सेंगबा थाना थरेट जिला दतिया को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से लूटे गए माल का कुछ हिस्सा बरामद किया, जिसमें सोने का बाला, 2100 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की गई। सर, लूट के दौरान कोई हथियार अवैध हथियार द्वारा बरामद हुए क्या? सर नहीं, अभी इनका जो साथी बचे हैं उनके द्वारा जो और रकम वगैरह है और उसे कट्टा वगैरह उनसे जब्त किया जाए। सर अन्य कोई शामिल है सर इस घटना में? इस घटना में टोटल 5 लोग हैं, गाड़ी पे दिख रहे थे, 3 एक दिख रहे थे, 2 एक दिख रहे थे। देखा सर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? जो इनका आपराधिक रिकॉर्ड संबंधित थानों से प्राप्त किया जाएगा, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए दिनारा शिवपुरी मध्य प्रदेश से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।